मध्य प्रदेश राज्य योजना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफा। तो आज की हमारी दो योजनाएं हैं, ग्रामीण इंजीनियर योजना और शिक्षक प्रोत्साहन योजना। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रामीण इंजीनियर योजना को। इसके परिचय पर नजर डालेंगे। इस योजना का मकसद प्रत्येक गांव में तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए गांव के एक हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवा को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित करना है। इसके मुख्य प्रावधानों के तहत इस योजना के तहत राज्य के आईटीआई संस्थानों में चयनित लाभार्थी को 3 व्यवसायों प्लम्बर, मेसन और इलेक्ट्रिशियन में 110 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ₹500 प्रति 30 कार्य दिवस के लिए दिए जाते हैं। इसकी पात्रता की बात करें तो इसके तहत लाभार्थी का 12वीं पास होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12वीं पास विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। पर्याप्त संख्या में 12वीं पास उम्मीदवार नहीं मिलने पर 10वीं उत्तीर्ण को अवसर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना, शिक्षक प्रोत्साहन योजना की। इसके परिचय पर नजर डालेंगे। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षकों को उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम आने पर पुरस्कृत किया जाता है। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं, जैसे कक्षा 9वीं में 60% या अधिक, 10वीं कक्षा में 80% या अधिक छात्रों को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ₹8,000 शिक्षकों को दिए जाते हैं। वहीं 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के शिक्षकों को ₹10,000 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और स्टेट स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।